Hello everyone, this is Prince Garg, and in today's video we are going to solve this problem. This problem is basically taken from the Gaokao, the toughest Chinese exam, and this is a geometry problem. Let us try to solve this. As illustrated in the figure above, the frame xy, we have the line x minus y minus 2 equals to 0 and the parabola y square equals to 2px. If the line passes through the focus, then find the equation of the parabola. देखो सबसे पहला task तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि इसके अंदर जो y square equals to 2px दे रखा है, तो यहाँ से मैं सीधा guess कर सकता हूँ कि basically जो अपने focus के point होंगे वो point होगा p by 2 and 0, okay? और ये किसको satisfy करेगा? Straight line को satisfy करेगा. तो let me write p by 2 minus 0 minus 2 going to be 0, so from there p equals to 4, okay? So p equals to 4, then the parabola equation will be y square equals to 8x. So first is done. Now second part को try करते हैं. Given that, ध्यान से सुनना. Given that there are the two different points p q symmetrical about the line L, prove that their coordinate of the midpoint is this. तो हमें जो line L दे रखी है, इस line को ध्यान से देखिए. इस line की equation है x minus y minus 2 going to be 0. Okay. तो हमें दो symmetrical point दे रखे हैं. Suppose that point is x1 y1 and this point is x2 y2. अब ये दोनों पैराबोला को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है? तो इसका जो मिड पॉइंट है उस पर अपने को कमेंट करना है. ओके, तो लेट मी राइट व्हाट, लेट मी राइट द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन. अगर इसका स्लोप 1 है तो ऊपर वाले का माइनस 1 होगा. सो आई कैन राइट ओवर हियर y2 माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x2 माइनस x1. ओके, अब ये पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन निकल के आएगी, y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2px1, y2 का स्क्वायर इक्वल टू 2px2. ओके, सो जस्ट एलिमिनेट x1 एंड x2, आई एम गेटिंग y2 माइनस y1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ x2 को लिखेंगे y2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2p माइनस x2 का स्क्वायर सॉरी y1 का स्क्वायर अपॉन 2p. ओके, सो फ्रॉम देयर हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं, देखो ध्यान से, कि y1 प्लस y2 बाय 2 दैट गोइंग टू बी माइनस p, हेंस तो ये ऑप्शन तो हमारा सही हुआ. अब x कोऑर्डिनेट के लिए हम इस इक्वेशन में इस पॉइंट को पुट करेंगे. सो फॉर दिस x कोऑर्डिनेट लेट मी राइट y एज माइनस p माइनस 2 गोइंग टू बी 0, सो फ्रॉम देयर x गोइंग टू बी 2 माइनस p, हेंस ये ऑप्शन भी हमारा मतलब करेक्ट होता है. अब थर्ड पार्ट के अंदर हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया रेंज ऑफ पी, मतलब किस रेंज के लिए ये काम होगा. तो एक बात सोचिए कि जो मिड पॉइंट मिलना है उसके लिए एटलीस्ट टू इंटरसेप्ट होने चाहिए, टू इंटरसेप्ट होने चाहिए. तो जो पैराबोला के लिए हमें लाइन एल दे रखी है और ये दो पॉइंट जो हमको कट खा रहे हैं, इनके दो ही वैल्यू होने चाहिए, मतलब देयर मस्ट बी टू कट. तो लेट मी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, दैट लाइन गोइंग टू बी वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस सी एंड पुटिंग दैट मिड पॉइंट आई एम गेटिंग द रिजल्ट माइनस पी दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस टू प्लस पी प्लस सी, सो फ्रॉम देयर सी इक्वल्स टू टू माइनस टू पी. ओके, ऑन जस्ट पुटिंग दैट वैल्यू इन हियर, देन वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू माइनस टू पी. तो ये इस लाइन की इक्वेशन हमें मिल के आती है. ओके, अब इसको पैराबोला से सेटिस्फाई करवाते, देखो तो पैराबोला से सेटिस्फाई करवाने पर मेरे को मिलता है वाई स्क्वायर बराबर टू पी x, on just putting the value of x I am getting 2 minus 2p minus y. Okay, the value of x is this, on just solving this y square equals to 4p minus 4p square minus 2py. Okay, to isko andar leke jao, so I am getting y square plus 2py plus 4p square minus 4p going to be 0. Okay, so this is my result. For two roots, discriminant must be greater than 0. Okay, two different roots ke liye discriminant greater than 0 hona chahiye. That means is equation ka b square minus 4ac greater than 0 ho. Iska meaning kya hua? 4p square minus 4ac. 4p square माइनस 4p दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, सो फ्रॉम देयर लेट मी टेक इन 4 कॉमन, आई एम गेटिंग p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर प्लस 4p दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. ओके, सो
that is the result we are having. Okay, I am just taking the common 4 and I am getting that result. So from there 4 minus 3p square plus 4p, that must be greater than 0. Okay, just taking minus common, so I am getting p 3p minus 4, that must be less than 0. So from there p is basically belonging to 0 to 4 by 3. Hence this is the करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट सेकेंड. और ये वाली प्रॉब्लम बेसिकली 10 मार्क्स में थी उस पेपर के अंदर, एंड दैट वॉज इन 2016 गाओकाओ एग्जाम. दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच.